मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर से कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। 1.5 लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से, किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। आज पाकिस्तानी पब्लिक गुर्बत की वजह से, आटा महंगा होने की वजह से सड़कों पर आ चुकी है। शर्म करो, वही तो नहीं आती हमारे लोगों को कि पूरा मुल्क खा गया, बेड़ा गर्क कर दिया कंट्री का, लेकिन बस। एज अ कश्मीरी एंड एज एन इंडियन मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि उनकी इंटेंशंस ये हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाए। मोदी तो कहता है कि सिर्फ हम हैं, कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है, शिमला अग्रीमेंट में उसको खत्म करके बायलैटरल कर दिया है, ना यूएन का कुछ है, ना अमरीका का, किसी का कुछ नहीं है। लेकिन ये नहीं ना बताते कि जिसके लिए ये हुआ था कश्मीर के लिए, हाँ, उसका एक इंच भी नहीं हमें मिला। तो मेन लूजर तो पाकिस्तान था ना, जिसने ये सारा पंगा लिया। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो उस वक्त ऊपर जा रही थी, उसके बाद बिल्कुल उसमें वो रिवर्स हो गई। हमें नारा 75 साल से कश्मीर का सुनाया गया और आज हमें आटा नहीं मिल रहा, कश्मीर तो दूर की बात, आटा चाहिए या कश्मीर। सबसे पहले बात तो यह है कि जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिहाज से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एपी ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कश्मीर फिर से काफ़ी चर्चा में है और उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन यानी चुनाव कराने का फैसला किया है, जिसके बाद अलग अलग पार्टियों ने जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है, जिसमें एक तो बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया और उसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और उसके जो मिली भगत जमात है, उन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। तो जहां पे एक तरफ बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर यह क्लियरली कहा है कि धारा 370 एक इतिहास बन चुका है और उसे अब किसी भी हालत के अंदर वापस लाया नहीं जा सकता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस और उसकी मिली जुली जमात ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर धारा 370 लाने की घोषणा की है। यानी कांग्रेस ने एक लॉलीपॉप दिया है कश्मीर के उन लोगों को जो इनके सपोर्ट में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कांग्रेस पार्टी अगर JRK में जीतती है तो धारा 370 वापस आ सकती है? तो आंसर है ऑफकोर्स नहीं आ सकती। लेकिन आखिर कांग्रेस पार्टी का इतिहास में बताता है कि इसी तरह के नारे देकर के कांग्रेस पार्टी सत्ता में जीतती आई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। दोस्तों बीजेपी ने कश्मीर के अंदर अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टो है। इसमें दो चीजें जो हैं वो दैट आर बीइंग हाईलाइटेड। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग की गई है डेफिनेटली, और वो मैसेजिंग 370 इज ए हिस्ट्री। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। इट मीन्स कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा, ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हिंदुओं और सिखों और अदर रिलीजियस माइनॉरिटी, मुसलमानों का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे मिलके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हिंदुओं और सिखों के लिए और जो दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जो कश्मीर के अंदर रही हैं, और अक्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया। 73,000 जो गन्स दी जा रही हैं, आपको पता ना अमेरिका से खरीद रहा है इंडिया, मजीद इंडिया ने तकरीबन 146,000 1.5 लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से, किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। ये एक मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द पिक्चर, ये पिक्चर जो है वो सामने आई है। मुझे जो मैं जिसको स्टडी कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने जब देखा था तो मुझे इस चीज में लगा है, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के लिए मैसेजिंग की गई है डेफिनेटली, और वो मैसेजिंग 370 इज ए हिस्ट्री।
आज पाकिस्तानी पब्लिक गुर्बत की वजह से, आटा महंगा होने की वजह से सड़कों पर आ चुकी है। इमरान खान, मरियम नवाज, लूट के खा गए, लूट के खा गए, असी किथे जाइए, असी किथे जाइए, फ्रॉड ये सारे, लुटेरे सारे। हमें नारा 75 साल से कश्मीर का सुनाया गया और आज हमें आटा नहीं मिल रहा, कश्मीर तो दूर की बात। बहुत दुख में लग रही है, क्या वजह है? आपने बोला है भूख से मर गए, पाकिस्तान की आवाम क्या भूख से मर रही है? आवाम भूख से मर रही है, आवाम के लिए पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। पहले तो हमने सुना था कि गरीब आवाम आटे की लाइनों में लग के अपनी जाने दे रहे हैं। ये आटा नहीं बांट रहे, ये लुटेरे हुक्मरान, ये चोर चके ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। एक रोटी आवाम के लिए इन्होंने मुश्किल करके रख दी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का आने वाला दौर बद से बदतरीन होता जा रहा है, बद से बदतरीन होता जा रहा है। 75 साल से हमें ये कहा गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को आजाद करवाएंगे। आज लाहौर में लोग गुर्बत से मर रहे हैं, आटे की लाइन में लग के मर रहे हैं। मुझे ये बताएं, सिंपल सी, आटा या कश्मीर इस टाइम जो कंडीशन है? सर देखे, पहले अपने पाकिस्तान को देखे, जो हमारे भाई भूखे मर रहे हैं। पहले तो हम पाकिस्तान को देखे ना, फिर हम दूसरे मुल्कों के देखेंगे। तो भाई जान, इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई। आटा चाहिए या कश्मीर? सबसे पहले बात तो यह है कि जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिहाज से तो हमें कश्मीर भी चाहिए। लेकिन अगर हम जिंदा रहेंगे तो कश्मीर के लिए जाएंगे, जब इधर के हुक्मरान ही मोदी बन जाएंगे तो हम कश्मीर को फतह कैसे करें? ये पाकिस्तान के लिए इंडियन मोदी बने हुए हैं, इनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की आवाम को मार दो और अपने बच्चों को जो है वो बाहर जाके जायदादें बना दो। और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी, और ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। 1965 की जंग तो सबसे पहले झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिलते तरले करके अपने फौजियों ही छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आजादी मना रहे हैं, आजादी मना रहे हैं, ये हमारा जंग जीतने का दिन है। और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीती है, वो भी हम मारे थे। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता? बिल्कुल ऐसी बात ही है, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आजाद किया, वो हमसे आजाद होना चाहते थे, वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह रहे के किस तरह के लोग हैं यहाँ के, कितने ये लोग झूठे हैं। डाला डाला आ जाएगा पीछे से, कसम से पढ़ पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना मुतालिया पाकिस्तान। हालत ऐसी है, ये 6 सितंबर भारत को हराया कोई छोटी बात है? जंग हम लोग जीते थे, यानी इंडिया कहती है हम लोग जीते थे, पाकिस्तान कहते हैं हम लोग जीते थे जंग। वो अकलमंद इंसान बताओ जीता कौन था? वो तो कह रहे जीते ही नहीं है, झूठ है। अमेरिका जीता था। अमेरिका, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें सही बात, क्योंकि